जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम भाटिया देवी का विशाल मंदिर है, जहां परिसर में माता की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर पर इतिहास पांडव काल से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों का अधिकांश समय शहडोल के भाटिया में ही बीता है। भाटिया में स्थित मंदिर में सिंहवाहिनी माता की प्रतिमा भीम के द्वारा स्थापित की गई थी। वैसे तो इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का हमेशा आना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। यहाँ भव्य मेला भी लगता है। इसके साथ ही मंदिर में गणेश जी की अष्टभुजी प्रतिमा भी स्थापित है, जो विरले ही देखने को मिलती है। मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियाँ 10वीं और 11वीं सदी की बताई जाती हैं। ये मूर्तियां भाटिया ग्राम में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। मठिया देवी मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यहाँ के पुजारी कई पीढ़ियों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मंदिर की देखरेख ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। मंदिर की पुजारी के अनुसार प्रारंभ में यहाँ एक पुराना मंदिर था, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जन सहयोग से मंदिर का कायाकल्प कराया गया है, जो पहले से और भी बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा, मैं सुवन मोहरी अनूपपुर के बगल से हूँ। वहीं से माता जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे और पूरे परिवार के सही थे हम लोग। तो यहाँ पे माता जी की कामना पूर्ण करती है, ऐसा विश्वास है, इसलिए उनके माता के दर्शन के लिए आ गए। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम लोग लगभग बचपन से ही आ रहे हैं। ये मेरा लगभग 20-25 बार से ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैंने साल में 1-2 साल के अंतराल में, न कहिए कोविड के कारण नहीं आ पाए हूँ, बाकी हर साल ही हम लोग आते हैं। तो माता जी समृद्धि दें, खुशहाली दें और विश्व की शांति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।